लो जी पाकिस्तानियों, पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की सियासत के अंदर 6 बड़ी तब्दीलियां आई हैं और वो बड़ी दिलचस्प हैं। उन तब्दीलियों के हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं, उन तब्दीलियों के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको सुनकर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, वो खुश भी होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्र भी करेंगे। हमारे पाक परवरदिगार इतने मुश्किल हालात के अंदर, इतने मायूसियों के अंधेरे के अंदर हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रोशनी की किरणें दिखा रही है, रोशनी की उम्मीद दिखा रही है और बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। जो 6 अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने बड़ी जबरदस्त है और इनमें से मैं आपको पहले बता देता हूं कि हैं कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट नाज़रीन गिरामी यह है कि दो बड़ी अहम गिरफ्तारियां हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हामिद मीर ने अब खुलकर मैदान संभाल लिया है। हामिद मीर मैदान में आ गए हैं और वो अब बड़ी खरी खरी बातें करने पड़ गए हैं, वो अब असल हकीकी मकरू चेहरा दिखाना शुरू हो गए हैं, लेकिन किसका ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात यह है कि अब नून लीग के अंदर दरिंदे भी शामिल किए जा रहे हैं और मॉडल टाउन सानिया के बाद औरतों को बरहना करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाने वाले, उनको कैद करने वाले जो दरिंदे हैं वो भी नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। चौथे नंबर पर मैं आपको जो बताऊंगा कि मरियम बीबी जो राणा लोगों कहती थी कि हमारा ये बबर शेर है, ये खौफ की अलामत है, किस तरह ये खौफ की अलामत कहलाने वाला बबर शेर अब भीगी बिल्ली बन चुका है और मिनतें और तरले कर रहा है। और इसकी दलील ये है कि जो पुलिस को एक खत लिखा गया है एक दिलेर लड़की का, उसने इसकी सारी बहादुरी को मिलियामेट कर दिया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जज हमायूं दिलावर का, जज हमायूं दिलावर की तरह के एक और जज का, आमिर फारूक का, कि जिल्लत और रुसवाई अब मुस्तकबिल के अंदर उसका मुस्तकबिल बंदी नजर आ रही है कि किस तरह से उसके गलत फैसले, उसके गलत डिसीजन, उसके गलत बातें जो हैं मुस्तकबिल के अंदर हो सकता है कि वही उसका हशर करें, कि जिस तरह से हमायूं दिलावर का हशर हुआ था और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से हमायूं दिलावर को रुसवा करके रख दिया था पूरी दुनिया के अंदर, के वो अपने मुल्क से बाहर गया, वहां पर भी उसके खिलाफ नारेबाजी की गई थी, उसके खिलाफ नारे लगाए गए थे, उसको रुसवा किया गया था, तो यही सिचुएशन अब यहां पर भी हो सकती है। ये तमाम दर बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं, बड़े अहम तरीन टॉपिक्स हैं ये, बड़ी अहम तरीन डिस्कशन है ये, इसको आखिर तक जरूर देखने आपने। और उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर अहम प्रभाव, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, लेकिन उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट था वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं और वो पॉइंट नाज़रीन गिरामी ये है कि PP 2331 विहाड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खालिद डोगर साहब हैं उनको खालिद डोगर एडवोकेट साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से आसिफ नकई को गिरफ्तार किया गया है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी मुश्किल खत्म नहीं हुई, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मुश्किल के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, नून लीग को खुश करने के लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हामिद मीर के हवाले से वो मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये बता देता हूँ कि हामिद मीर ने अब एक प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर खुलकर बैठकर ये कह दिया है कि जी इस्तेकामे पाकिस्तान हो या परवेज खटक हो, ये लोग अगर ये समझते हैं कि ये PTI का वोट बैंक तोड़ लेंगे, PTI का वोट तोड़ लेंगे तो ये अपनी गलत फहमी खत्म कर लें, इनकी जमातें 2% की भी औकात नहीं रखती हैं, 2% का भी कैलिबर नहीं रखती हैं और इनके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि ये खान का वोट बैंक तोड़ सकें। और इससे बड़ी ज़्यादा बात जो इनके लिए मुमकिन है नहीं है वो ये है कि ये जीत सकें, इनकी पार्टियाँ जीत सकें, ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत या किसी एक सूबे की हुकूमत बना सकें, इनका कैलिबर नहीं है। इनको सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें, यानी कि मुस्तकबिल के अंदर अगर आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए इस्तेकामे पाकिस्तान के जीते हुए कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून को चाहिए होंगे, उनको जरूरत होगी, तो ये इस्तेकामे पाकिस्तान वाले और ये जो दूसरे इनके साथ फिर रहे हैं परवेज खटक ग्रुप, ये फिर नून लीग के साथ शामिल हो जाएगा और इमरान खान को हराने की कोशिश की जाएगी। वरना इसके अलावा इनका कोई कैलिबर, इनकी कोई औकात नहीं है, 2% के ये लोग नहीं है, ये हामिद मीर ने ये सारी बातें की हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं नाज़रीन गिरामी कि हामिद मीर कहते हैं कि मैं खान का कभी भी हामी नहीं रहा, ना मैंने खान को कभी सपोर्ट किया, मैंने हमेशा उसके ऊपर तनकीद किया, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो नहीं छुपानी चाहिए, सहाफ़ी को ग्राउंड रियलिटीज़ आवाम के सामने रखनी चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि PTI का वोट बैंक कोई नहीं तोड़ सकता, आपके पास एक ही हल है, या तो बल्ले का निशान बेल्ट पेपर के ऊपर से हटा दीजिए या फिर जो जेल है उसके अंदर खान के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनको डालना शुरू कर दीजिए, उनको दोबारा से कैद करना शुरू कर दीजिए, इसके अलावा आप खान को हरा नहीं सकते हैं, खान को किसी तरह तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, अब जो अगली बात है वो ये है कि जो खान है
उसने जेल के अंदर बैठकर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग कर ली है, उसने जेल के अंदर बैठकर बड़ा काम जबरदस्त कर लिया है। और वो इस तरह से कि उसने अपने स्पेशली वकील को कहा है, अपने जो सबसे बड़ा वकील है उसको कहा है कि आप 200 वकील एडजस्ट करो पूरे मुल्क के अंदर से, 200 वकीलों को हम टिकट देंगे और वो ऐसे वकील होने चाहिए जो झुके ना, जो दबाव में ना आए, जो प्रेशराइज ना हो, जिनको ब्लैकमेल ना किया जा सके, जो बैड करेक्टर ना हो, जिनके करेक्टर के ऊपर कोई दाग ना हो, जो खड़ा रहना जानते हो, आप उनको लेके आए, 200 वकीलों को मैं टिकट दूंगा, वो पार्टी कंपेन करेंगे, पार्टी की कंपेन चलाएंगे और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी और फिर उनको हर सूरत मंजरे आम पर लाया जाएगा। और मैं ये वादा करता हूं कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो उन वकीलों को वोट देंगे। अब सोच लीजिए, सियासतदानों को बड़ा आसान होता है गिरफ्तार कर लेना, उनको दबाव में ले आना, उनको प्रेशराइज कर लेना, दो नंबर होते हैं ना, ये लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं, अपने पाकिस्तान अपनी जो आवाम है उनके साथ धोखे करते हैं, लेकिन जो वकला बरादरी है उनके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं है। और 200 वकील जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, टिकट होल्डर होंगे, तो फिर उनके ऊपर एक को भी ये तो मक्खियों का छत्ता है, एक के ऊपर आप हाथ डालेंगे तो पूरे मुल्क के वकील खड़े सड़कों पर निकल आएंगे और फिर ये आपसे कंट्रोल नहीं होने। पाकिस्तान की वाहिद ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज को टक्कर दे सकती है, जो बड़े बड़े माफियाज को उनकी नाक रगड़ सकती है, जो बड़े बड़े माफियाज को जमीन बोस कर सकती है। पाकिस्तान के जो वकला हैं वो इतनी बड़ी ताकत है और इनसे बड़ी ताकत पाकिस्तान के अंदर अभी और कोई नहीं है। अच्छा, ये हो गया इमरान खान का, जो वो जेल के अंदर बैठकर उसने जो प्लान बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। इसके बाद हम आगे चलते हैं नाज़रीन गिरामी, और आगे ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि नून लीग के अंदर अब हैवानों को भी शामिल किया जा रहा है, दरिंदे भी शामिल किए जा रहे हैं। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की है। इसके बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ कि पिछले कुछ अरसे के दौरान आपको याद होगा कि बार खान का वाकया पेश आया था, इसी बंदे से रिलेटेड था, 5 लोग वहाँ से बाजियाब करवाए गए थे, मंसूर अली खान ने जियो पर पूरी रिपोर्ट जारी की थी और फिर उसका जो मरकजी मुलजिम था वो यही बार खान वाकये का सरदार अब्दुल रहमान खेतरान था, और इसको नून लीग के अंदर शामिल किया गया है और इसको अब इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अंदाजा लगाइए नून लीग कितनी गिर चुकी है। इसके बाद राणा सनाउल्ला जो कहता था कि जब पंजाब कौमी असेंबली की 141 में से हमें 120 सीटें मिल जाएंगी, अब वो अवाम से दर्दमंदी से अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट करता नजर आ रहा है, जिसको मरियम बीबी कहती थी कि ये तो हमारा बब्बर शेर है, ये तो हमारी खौफ की अलामत है, वो अब कहता है कि जी हम कौम से दर्दमंदी से अपील करते हैं कि मामलात को देखें, समझें, सोचें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद फैसला करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हालांकि हारा सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, सारे माफियाज इनके साथ खड़े हैं, सारा मीडिया इनके साथ खड़ा है, सारे इदारे इनके साथ खड़े हुए हैं, अमरीकी सफीर इनके साथ खड़ा हुआ है, दो पाकिस्तान के बड़े बड़े ठग हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े इश्तिहारी इनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम इनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े मुलजिम इनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बहरान पैदा करने के जिम्मेदार लोग हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार इनके साथ खड़े हुए हैं। और नवाज शरीफ को आपने देखा है कि बाप पार्टी के बाद पाकिस्तान के सनतकारों कारोबारियों को मिलने गया था, वो सारे इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो वोटर है, वो सपोर्टर है, वो आम पब्लिक है, आम जनता है पाकिस्तान की, वो इनके साथ नहीं खड़ी हुई। और इनको बड़ी तकलीफ है, इनको बड़ी टेंशन है, इनको यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमने हर जगह से अपने लिए प्लेट में हलवा डलवा के खा लिया, लेकिन जो पाकिस्तानी आवाम है वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो हमें कबूल नहीं कर रही है। और पाकिस्तानी आवाम जब वोट नहीं देगी तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं, जो अगला पॉइंट था वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहादुर लड़की सनम जावेद का, अल्लाह तबारक व तआला इसको जल्द जल्द रिहाई की खुशखबरी सुनाए। उसने पुलिस को खत लिखा है और कहा है कि जी मेरा मोबाइल 8 महीने पहले आपके हाथों चोरी हुआ था, जब आप लोगों ने एक महीने बाद मुझे गिरफ्तार करने के, एक महीने बाद जब आपने डंडा बरामद कर लिया, जब आपने ये बरामद कर लिया कि जी मैं तो पेट्रोल पंप बनाने की माहिर थी, उनके ऊपर तो कोई नंबर वगैरह भी नहीं लिखा होता, तो मेरा मोबाइल भी बरामद कर लीजिए, महंगा मोबाइल था मेरा, उसके ऊपर तो नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। और यकीन जानिए कि इस हवाले से अब यह खबरें भी सामने आती हैं कि पुलिस भी सनम जावेद से तंग है कि इसके ऊपर मुकदमात कोई होते नहीं है, जिस मुकदमे में जाती है बरी हो जाती है, फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, कौम के सामने हमें आर्डर आ जाता है, इसको दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, हार ये लड़की मान नहीं रही है, समझौता कर नहीं रही है, डील कर नहीं रही है। तो ये जो परेशानी बनी हुई है नून लीग के लिए, ये भी बड़ी जबरदस्त परेशानी बनी हुई है, और यही वजह है कि अब नून लीग समेत जो पुलिस है वो भी इनसे बड़ी तंग आई हुई है। अब हम आगे चलते हैं नाज़रीन गिरामी के, डॉन न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि अमरीकी कांग्रेस ने अमरीका की हुकूमत को खत लिखा है और कहा है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को खत लिखा और कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए इमदाद तब तक जारी ना करें, तब तक पाकिस्तान के लिए इमदाद बंद हो, तब तक जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। एक जानिब डोनाल्ड लू पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को ख़राब करने के प्लान में प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में फिर रहे, दूसरी जानिब कांग्रेस उनकी लिख रही है कि जी जब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आता पाकिस्तान के लिए पैसे जारी ना किए जाए। उसके बाद जो साकिब बशीर हैं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान के,
उन्होंने आमिर फारूक के बारे में लिखा है कि आमिर फारूक इस तरह से काम कर रहे हैं कि जिस तरह माजी की पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अदलिया को इस तरह से नहीं देखा गया था कि वो कहते हैं कि जी मैं अगर नहीं होऊंगा तो मैं फ़ोन पर काम करवा लूंगा, बेंच के अख्तियारात भी सारे मेरे पास होंगे, बाकी सीनियर जज जो हैं वो सिर्फ केस मार्क कर सकेंगे, उसके अलावा उनके पास और कोई किसी किस्म के डेजिनेशन नहीं होगा, सब कुछ मेरे अख्तियार में होगा, सब कुछ मैं करूँगा। और इनके हवाले से अगर पिछले काफ़ी अरसे में देखा जाए तो पता चलता है कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लेने के लिए, इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं कि जिस सिस्टम के अंदर पहले बहुत सारे चेहरे बहुत सारे किरदार शामिल हो चुके हैं और वो इमरान खान को गिराते गिराते खुद गिर चुके हैं। तो अब इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हमारे दिलावर की तरह शायद इनका भी पाकिस्तानी कौम के नज़रों के अंदर जो मकाम और इज्जत है वो सारी मिलिया मेट ना हो जाए। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हमेशा ही पुरउम्मीद रहने, दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को जल्द अज जल्द आज़ादी की खुशखबरी दे। अगर आप भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज़ के साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मजीद कॉन्फिडेंस मिले और हम इसी तरह खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें।